लोकसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी से छुट्टी लेने वाले, शारीरिक असमर्थता का हवाला देने वाले कर्मचारियों को जिला प्रशासन ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दिया आदेश। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी से छुट्टी लेने के लिए लगाए गए आवेदनों में कई कर्मचारियों ने शारीरिक असमर्थता का हवाला दिया है। इस पर जिला प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड के सामने संबंधित कर्मचारियों को पेश कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इसमें कई कर्मचारी ऐसे पाए गए हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। इन्हें चुनाव ड्यूटी से तो मुक्त रखा जाएगा, लेकिन इनके विभागों को भी पत्र लिखा गया है कि शासन के नियमों के अनुसार इन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए। दो कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए पत्र भेजा गया है, जबकि तीन को फिर से मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इनके स्वास्थ्य की फिर से रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड से मांगी गई है। प्रमोद कुमार पांडे, सहायक शिक्षक सीएम राय मऊगंज के संबंध में डीओ रीवा की ओर, एवं रामानुज विश्वकर्मा, कार्यालय सहायक एमपीवी मनगमा के संबंध में मुख्य अभियंता मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी रीवा संभाग को पत्र लिखकर शासन सामान्य प्रशासन विभाग के 6 जुलाई 2019 के प्रावधान के तहत कार्रवाई के लिए कहा गया है। इसमें उल्लेख है कि 50 वर्ष आयु एवं 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अभिलेखों को की छानबीन एवं कार्रवाई की जा सकती है। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि 38 कर्मचारियों के स्वास्थ्य का परीक्षण मेडिकल बोर्ड ने किया था। इसमें 23 अनफिट और 10 फिट पाए गए हैं। मेडिकल अनफिट कुछ कर्मचारियों का पाए गए, क्या कार्रवाई की जाएगी? निर्वाचन को लेकर के ये संज्ञान में आया है कि कुछ कर्मचारी अधिकारी इस प्रकार के चुनाव की ड्यूटी से बचने के लिए बहाने लेते हैं, जो अपने मेडिकल बैकग्राउंड या इस प्रकार से, क्योंकि ये शासकीय कार्य है और बाकी अमला, बहुत बड़ा अमला पूरे चुनाव के कार्य में लगता है। 20,000 से ज्यादा कर्मचारी चुनाव की प्रक्रिया को संपादित करते हैं, तो ऐसे में यदि कुछ लोग इस प्रकार के होंगे जो बहाने बना करके कार्य नहीं करेंगे, तो ये बाकी अमले को भी डिमोटिवेट करता है। इसलिए आवश्यक है, यदि कोई व्यक्ति फिजिकली इस बात में सक्षम नहीं है कि वो सरकारी काम, जो निर्वाचन का काम नहीं कर सकता, तो हम लोगों को ये मानना है कि वो अपना शासकीय कार्य जो दायित्व है वो भी नहीं कर सकता। यदि कोई ये कह रहा है कि वो नहीं ज्यादा देर तक बैठ सकते, तो हम लोग ये कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो ऑफिस के जो आवर्स हैं उनमें अपना काम भली प्रकार से संपादित कर पाते होंगे। इसीलिए इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है, और ये अदरवाइज भी शासकीय ऑफिस के अपना एक गवर्नेंस है, अपना एक पैटर्न है। यदि कोई कर्मचारी वो करने में अक्षम है, तो उनको अनिवार्य शैक्षिक सेवानिवृत्ति के लिए हम लोग उनके केसेस प्रोसीड करेंगे विभागों की ओर से, क्योंकि इलेक्शन का काम भी अन्य कामों की तरह, बल्कि अन्य कामों से और अधिक महत्वपूर्ण कार्य है।